दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे किल के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप, और साथ ही जानेंगे फिल्म से जुड़े कुछ अनसुनी फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में लक्ष्य, राघव जुएल, तान्या मनिकतला, अभिषेक चौहान, आशीष विद्यार्थी और हर्ष छाया नजर आए थे। फिल्म को निखिल नागेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। आपको बता दूं कि ये फिल्म लक्ष्य की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने वॉरियर, है अधूरी कहानी, हमारी, प्यार तूने क्या किया और पोरस जैसे कई टीवी सीरियल्स में काम किया था। बात करें रनिंग टाइम की तो दोस्तों ये फिल्म 1 घंटे 45 मिनट लंबी फिल्म थी। वहीं बात करें स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1000 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था, तो ओवरसीज में लगभग 400 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 1400 स्क्रीन के साथ 5 जुलाई 2024 में रिलीज किया गया था। वहीं बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 1 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहली वीकेंड में 6 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन किया और अपने पहले हफ्ते में 11 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने इंडिया में 23 करोड़ 21 लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था, तो 27 करोड़ 60 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था। फिल्म ने ओवरसीज में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया। फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 18 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 45 करोड़ 60 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि फिल्म का बजट लगभग 22 करोड़ था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट साबित हुई थी। वहीं बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.7 रेटिंग मिले। ये फिल्म काफी गलत टाइम में रिलीज हुई, वरना ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर भी हो सकती थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब ऑलरेडी मुंजिया, चंदू चैंपियन और कल्कि जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस में चल रही थी। किल के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद ही अक्षय कुमार की सरफिरा भी रिलीज हो गई थी, जिसके चलते किल के शोज कम कर दिए गए थे। तो दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, 90% फिल्म की शूटिंग ट्रेन में ही हुई थी। नंबर 2, इस फिल्म के राइट्स को जॉन विक सीरीज की फिल्म के प्रोड्यूसर ने खरीदा है। जल्दी इस फिल्म का रीमेक हॉलीवुड में देखने को मिलेगा। नंबर 3, आपको बता दूं कि इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। फिल्म में लक्ष्य ने जो रोल निभाया है वो रोल रियल में गुरखा सोल्जर विष्णु श्रेष्ठा से इंस्पायर्ड है। 2 सितंबर 2010 में 30 से 40 डाकुओं ने ट्रेन में लूटपाट करने की कोशिश की थी। ये ट्रेन मौर्य एक्सप्रेस थी जो रांची से गोरखपुर के लिए जा रही थी। एक लड़की से जो कुछ बदमाश छेड़छाड़ कर रहे थे तब इंडियन आर्मी के सोल्जर विष्णु श्रेष्ठा ने लड़की की आवाज सुनकर वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी खुखरी नाइफ से अकेले उन सभी बदमाशों से लड़ाई की। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें कई मेडल से भी सम्मान दिया गया। लक्ष्य के रूप में बॉलीवुड को एक अच्छा एक्टर मिला। अगर नेपोटिज्म हावी ना हो तो लक्ष्य आगे चल के सुपरस्टार भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा देखा गया है कि टाइगर श्रॉफ को ना एक्टिंग आती है ना उनकी डायलॉग डिलीवरी ठीक से होती है। ऊपर से उनकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप डिजास्टर हो रही है, उसके बावजूद भी उनको फिल्म मिलते जा रही है। अगर इतनी अच्छी फिल्म देने के बावजूद भी लक्ष्य को आगे फिल्मों के ऑफर ज्यादा नहीं आते तो आगे चलकर बॉलीवुड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अभी जितने भी नए एक्टर्स आ रहे हैं उनकी एक्टिंग में ज्यादा कोई खास दम नहीं दिख रहा। तो दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।